Once again, I welcome you back on Career Couch with Shubhankar. दोस्तों, अगर सम्राट अकबर से ये कहा जाता कि उनको उनके सिंहासन समेत उड़ाया जा सकता है तो शायद आपको फांसी की सजा दे देते। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल्पनाएं थी, जो उम्मीदें होती हैं, जो हमारी सोच होती है, जो क्यूरोसिटी होती है, जिसको हम लोग जिज्ञासा कहते हैं, वो कौतूहल जो होता है, यही कहीं ना कहीं हमें साइंटिफिक इन्वेंशंस की तरफ या वैज्ञानिक आविष्कारों की तरफ ले जाता है। जब वैज्ञानिक आविष्कारों की बात करते हैं, आज दुनिया ने टेलीविजन से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ होता हुआ देख लिया। लेकिन ये जो हम बार बार हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या टेक्निकल डेवलपमेंट, या जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर साइंस दिन पर दिन रिसर्च वर्क पर कुछ ना कुछ नया आविष्कार कर रहा है, हमारा जो तकनीक है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, वो आज दिन पर दिन अपडेट होते होते हथ होते एक ऐसी जगह तक हम पहुंच चुके हैं जहां पे कि अब हमें कुछ भी असंभव नजर नहीं आता। प्लेन हम उड़ा चुके, उसको हम लोग छोटा करते करते ड्रोन तक आ गए। अरे, अब जब ड्रोन की बात हो ही रही है तो बात करते हैं ड्रोन मैन की। जी हाँ, ये ड्रोन मैन मैं नहीं कह रहा, जिस व्यक्ति से आज हम मिलाने वाले हैं उनको ये ड्रोन मैन का नाम जो है, ये स्वयं APJ अब्दुल कलाम, हमारे कलाम चाचा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो कभी भी, वो शायद आज हमारे दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उनका जो छत्र छाया है, उनकी जो छाया है, वो हमको हमेशा प्राप्त होती रहती है। तो जी हाँ, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने इनको ड्रोन मैन कहा था। तो आज हम मिलते हैं ड्रोन मैन से और जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हर रोज किस तरीके से और किस तेजी से आगे बढ़ रही है। चलते हैं ड्रोन मैन मिलिंद राज जी से मिलने। मिलिंद जी के घर में आते ही एक बात तो पता चल गई कि हम जहां पे जा रहे हैं वाकई ड्रोन मैन का घर है। अगर आप दरवाजे पे देखें तो ये भी कंप्लीट ऑटोमेटेड है, जहां पे रेस्ट्रिक्टेड ओला यानी ग्रीटिंग्स और ग्रांटेड का वो लगा हुआ है। एक बार जब हम अंदर आ गए, पहले उन्होंने ग्रांटेड जला, मैं दरवाजे के अंदर आया और ये लॉक होने के बाद रेस्ट्रिक्टेड। जैसे मैंने सोचा था, घर में आते ही हमारा वेलकम करने के लिए यहां देखिए दो रोबोट्स यहां पे मौजूद हैं। ये जो रोबोट्स हैं, ये अलग अलग एग्जीबिशंस में इन रोबोट्स को शायद ले जाया गया था, जहां पे ये शायद वेलकम भी करती हैं। ये कंप्लीट ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं। ह्यूमनाइड रोबोट्स की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि ह्यूमन एक्शंस करने में पूरी तरीके से काबिलियत रखती हैं। जैसा मैंने कहा था, ठीक वैसा ही मिला, एक कंप्लीट लैबोरेटरी आप देख सकते हैं। ये लैबोरेटरी ये बताता है कि इंसानी सोच जो है वो किस हद तक जा सकती है, या कहें तो कोई हद शायद है ही नहीं। यहां पे जो चीज सोचा गया वो बना दिया गया। ऐसे ही नहीं होता कि एक राष्ट्रपति आके विजिट करते हैं और वैसे ही आके किसी को कह दें कि भाई ये ड्रोन मैन है। ड्रोन के बनने का जो पूरा इतिहास है, वो जो पूरी जो जर्नी है, वो पूरा यहाँ पे दिखाया जा सकता है। इन्होंने बॉडीज बना रखी हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये बॉडीज तक खरीदी नहीं गई हैं, ये 3D प्रिंटेड बॉडीज हैं, यानी इनको 3D प्रिंटर से निकाला गया है प्रॉपर डिजाइन और प्रॉपर इसके साथ। तो आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये देखिए 3D प्रिंटर लगा हुआ है, अलग अलग कल पुर्जे, हर तरीके चीजें जो कि ड्रोन बनाने में समर्थ हैं। ये एक छोटा सा ड्रोन, हर प्रकार के ड्रोन ही ड्रोन यहाँ चारों तरफ लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ मिलिंद जी किधर हैं। स्वागत आपके खुद के लैबोरेटरी में। कार्यक्रम हमारा है, लैबोरेटरी इनका है। मिलिंद जी, मजा आ गया देख के। घुसते ही जिस तरीके से रोबोट ने स्वागत किया और जिस प्रकार से आपका दरवाजा जो है हाई सिक्योरिटी बेस्ड है,
तो लग रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का एक लैबोरेटरी, एक प्राइवेट एक उसमें आपने बना रखा होगा। इतना खूबसूरत है, चारों तरफ अगर देखूं तो सिर्फ और सिर्फ ड्रोन से रिलेटेड चीजें और तमाम। और मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि जो छोटे छोटे टूटे सामान जो कि कॉमन हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। ट्रेजर है ये, एक तिजोरी है चीजों का, उनको इनोवेशन की। तो मिलिन जी, यहाँ तक आते आते मैं सबसे पहले आपकी शुरुआती कहानी जानना चाहूँ, ये शुरुआत कहाँ से हुआ जी? ये जो चीज है रोबोटिक्स की, जैसे कि अभी आपने कहा था कि ये एक घर जैसा नहीं है बट ये रोबोट्स का घर है और हमारी और आपकी लैब है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हमारे जब स्कूल जाने से पहले की बात है। हम बचपन में ही, हमें कागज से क्राफ्ट का बहुत शौक था और हम चीज़ों को रेप्लिका बहुत बनाते थे। जैसे तब तो उस टाइम पे घरों में एसी और शायद कूलर भी नहीं होते थे, सिर्फ पंखे होते थे। तो हम पिन से लेके पंखों का मॉडल्स, एक छोटे से बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो 3 साल 3.5 साल का हो। फिर करते करते हमारी जो पहली लैब थी जो हमने बनाई थी अपने क्लास वन में, वो थी एक, पहले तख्त आते थे, ये जो मॉड्यूलर बेड्स हैं ये अभी शुरू हुए हैं पर पहले तख्त होते थे जिनके नीचे जगह बहुत होती थी। जी जी जी। तो उसके नीचे हमने अपने सारी चीज़ों का, जो छोटे छोटे क्रिएशंस होते थे कागज़ के, उनका एक सेटअप बना रखा था और घंटों हम उसके बेड के नीचे बिल्कुल बिजी रहते थे पूरे। मतलब वो जो कहा जाता है पूत के पांव पालने में अच्छा लगते हैं, तो वो पहले से दिखना चालू हो गया था जी। तो आपके पेरेंट्स क्या ये बात शुरू से जान गए थे लड़का बहुत क्रिएटिव है उसको इसी में जाना है, कि आपको मशक्कत करनी पड़ी अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए? उस क्या था कि ये तो अभी हाल में 3-4 साल या 5 साल का एक दौर है जिसमें AI ML और सब चीजें काफी ज्यादा प्रमोट हो रही है, पर शायद उस समय पे, ये बात है आपकी 1995 के आसपास की, 96 के आसपास की, तब लोग जानते नहीं थे ये चीज़ें। तो हमारे घर वाले सोचते थे कि इसका रेप्लिका बना दिया, बट उन्होंने कभी भी मना नहीं किया था। उन्होंने कहा कि देखते ही उनको भी नई चीज़ देखने को मिली, अच्छी चीज़ लेगी। अच्छा, हमारे कोई कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं था, तो इसे बच्चे शाम को खेलने जाते थे, हमारा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, हम शाम को अपने तखत के नीचे लैब में रहते थे अपनी छोटी सी, लाइट आए ना आए, कुछ रहे ना करे, भीग गए पसीने, बट हमारा काम चलता रहता था। सो करते करते वो डेडिकेशन एक बहुत ही अलग तरह का सपने को दिखने लगा। फिर दौर आगे बढ़ा, क्लास टू में जब हम थे तो हमने एक शार्पनर बनाया। हमको लगा था कि हम प्रॉब्लम के सोल्यूशंस ढूंढते थे बचपन से, कि कटर है उसको लोग छीलते रहते हैं, ब्लेड टूट जाता है, पेंसिल निब टूट जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना उसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए। तो हमने एक बहुत ढूंढा, छोटे छोटे मोटर्स निकाली इतना कहीं से मैनेज करके, क्योंकि हमारे पास खिलौने नहीं थे, तो हम टूटे फाटे खिलौने बहुत बड़े होते थे। तो हमने एक इलेक्ट्रिक कटर बनाया, हम स्कूल ले गए इलेक्ट्रिक कटर जी, स्कूल ले गए। जब हमने उसे पेंसिल शार्प करी, अच्छा स्कूल में भी नो फ्रेंड right. तो हमारा तो एक अलग रिजर्व्ड एरिया चलता था, सो हमने डेस्क पे इलेक्ट्रिक कटर रखा, जैसे ही हमने उसको ऑन किया थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, स्कूल की लाइट चली गई। अरे then, तो स्कूल वाले भी परेशान, इतना ज्यादा क्रिएटिव लड़का आ गया। स्कूल वाले कहते थे कि ये, फिर हमको पहले से ही साइंटिस्ट का नाम देने लगे थे क्लास 1-2 से ही। तो ये दौर कहते हैं कि ये टैलेंट है या किसको जो भी नाम देना हो शब्दों में, ये तो हमको नहीं पता, बट हमको लगता है कि अभी बहुत लंबी जर्नी बची है जी। बहुत सारी चीजें करनी है। माशाल्लाह आपकी उम्र इतनी कम है उसमें आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो जर्नी तो आपकी बहुत लंबी बची है जी। और अगर आप मनुष्य के जीवन प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी क्षमता होती है कि आप बहुत सारे लोगों को बदल सकते हैं। सही बात है, सही बात है। तो मिलिन जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, ये जब आपने शुरुआत की तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई बेसिकली? लमाटनेर। तो आप लमाटनेर से थे, तो क्या कहीं पे स्कूल ने आपकी मदद की आगे बढ़ने में, कुछ टेक्नोलॉजी में या उसमें, ये आपका अंदर से था और आप खुद अपने रास्ते बनाते गए? स्कूल ने कोई ऐसी मदद नहीं की और मतलब, और पेरेंट्स किस एंगल से देखते थे? पेरेंट्स हमको एक चीज देखते थे कि हम सेफ्टी जोन में है या नहीं, ऐसा अच्छा, तो नहीं कि अच्छा। कोई चीज इंजरी हो जाए, क्योंकि कोई घबराहट होती थी। हाँ। स्कूल में हमारी कोई ऐसी, देखिए आपको सही बताऊं, जिंदगी का में तो जो जर्नी होती है उसमें स्कूल कॉलेजेस आपको शायद वो इंसान नहीं बनने में मदद करते जो आप स्वयं बन जाते हैं अपने एक्सपीरियंस। तो हमारा डेफिनेटली माँ बाप तो भगवान स्वरूप होते हैं, तो उन्होंने तो बहुत हेल्प करी, और कुछ हमें लगता है अब रियलाइज होता है कि ये कुछ हमारे नसों में दौड़ती है ये चीज। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज एक, फिर डॉक्टर कलाम साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो वो बहुत, वो मैंने भी फोटोग्राफ देखी थी, हम अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। वो स्टोरी कैसी रही, अचानक आपकी डॉक्टर कलाम से मुलाकात हो गई? डॉक्टर कलाम जब आए तो वो हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, उन्होंने हमको विजन और मिशन दिया,
उन्होंने जब हमारी पीठ थपथपाई, उन्होंने जब हमसे हाथ मिलाया था, तो वो उनके हाथ जो हम लोगों ने पकड़ा था, वो गर्मी आज भी हमें महसूस होती है जब हैंडशेक किया था। सही बात। उनकी पहली पॉइंटिंग फिंगर का जो नाखून था वो थोड़ा सा हमारे राइट हैंड में चुभा था, वो मैं आज भी एकदम फ्रेश मेमोरी है। उन्होंने हमसे कहा था कि इस चीज को आप, इस चीज से पूरा देश बदल सकते हैं, पूरे विश्व में क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक साल के लिए सोचते हैं, कोई मिशन प्लान करते हैं, तो आप एक राइस शो करिए, बट अगर आप 100 साल का सोचते हैं तो एजुकेट करिए। सही बात है, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कभी भी विज्ञान में या आप कहें कि टेक्नोलॉजी में जब जब डेवलपमेंट हुआ है, उस पर जब हमने विकास किया है, ये बहुत जरूरी है कि उसमें सही दिशा में आपकी जिज्ञासा, वो कौतूहल वो हो, लेकिन उन कौतूहल उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए आपके पास सफिशियंट नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, तभी जो है आप उस जिज्ञासा के लिए रास्ता निकाल पाते हैं। सही बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, बचपन से ही तो आप में कौतूहल तो मुझे दिख रहा है कि हर चीज को कैसे करके सॉल्व किया जाए, नहीं तो हम तो उन बच्चों में से थे, साहब खोल तो दिया करते थे, वापस जोड़ने में बड़ी दिक्कत आती थी। आपके साथ तो लग रहा है कि आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जिस तरीके से आपने लैब बना रखा है, सब एक एक करके हम चलते हैं। ये एक 3D प्रिंटर की बात हम लोग कर रहे थे, इधर आते हैं, एक 3D प्रिंटर की बात हम लोग कर रहे थे, जिसको कि ये तो शायद मार्केट मेड है। ये वाला मार्केट मेड है, बट इसको हमने मॉडिफाई किया है, ये 100% सेल्फ मेड है। ये आपका कंप्लीटली सेल्फ मेड है, यानी 3D प्रिंटर जो आपने खुद अपने यहीं पे लैब में बनाया। जी, ये बल्कि हमने बहुत सारे बच्चों को सिखाए भी है कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि सबको आना चाहिए, ये प्रिंटिंग का भविष्य है। हां, तो ये 3D प्रिंटर, हर जो प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी है, ये सर इसका भविष्य है। हम लोग तो अभी पेपर पे प्रिंट करते थे, एक कागज लिया, उस कागज पे चीजें आ गई, बट क्या आपने कभी सोचा था ऐसी चीज कि हाँ, हमको एक सामान चाहिए, हमको अपने चश्मे के लिए नया केस चाहिए, हमको शायद एक नई घड़े का स्ट्रैप चाहिए, या घड़ी क्या, हमको एक डिजिटल क्लॉक का केस चाहिए, या मे बी जैसे ये आप देखिए, ये हमको इस तरह की तकनीक चाहिए जो वेव जनरेटर हो, क्या ये बन सकता है कागज से? अब ये इससे क्रिएट कर सकते हैं, आप रियल लाइफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये पूरा ही जो है डिवाइस है, कंप्लीटली 3D प्रिंटेड है। 100%। वाओ वाओ वाओ। तो देखिए, सोचा और बन गया। पहले के समय में हम लोग जादू में ये चीज सोचते थे कि सोचा, उन्होंने हाथ से युग खड़ा किया और तुरंत जो है एक चीज प्रकट हो जाता है हाथ में, लेकिन आज हम सामान को अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से प्रकट करने के लायक हो चुके हैं। थैंक यू ये बताने के लिए। तो ये तो हो गया आपका 3D प्रिंटर, जो वाकई बिल्कुल ये अविश्वसनीय चीज है, ये आपने खुद अपने हाथ से बनाया। तो ये जितने प्रोपेलर्स वगैरह जितने रखे हैं, CFN, ये कार्बन फाइबर प्रोपेलर है, ये डिफेंस ड्रोन्स में लगते हैं। ये आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सुना होगा, खेती के लिए किसान ड्रोन्स। हाँ, ये अभी जो लोकस्ट वाला अटैक हुआ, लोकस्ट हो गया, पेस्टिसाइड छिड़कना है, 2 फरवरी 2022 को आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि किसान ड्रोन और ड्रोन एज अ सर्विस भारत सरकार स्कीम दे रही है, तो ये सब उसके लिए पार्ट्स हैं। ये कार्बन फाइबर है, ये कंपैरेटिवली हल्का होता है मेटल से, और ये बिल्कुल ही हल्का, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी होती है, इससे ही सारे ड्रोन्स बनते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो अधिक होती है, प्लास्टिक बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ये कंडक्टिव नहीं होता है, सो उसमें कोई भी हमारा चेंजेस नहीं आते, बहुत जल्दी करंट लीक हो रहा है या कुछ। ओके ओके, तो ये वो है सर, ये प्लास्टिक ड्रॉप्स हैं, ये छोटे ड्रोन्स के लिए होते हैं। ड्रोन 5 तरह की कैटेगरी में आते हैं, तो ये तीसरे कैटेगरी वाला है। वाओ, ये कार्बन फाइबर है, और यहाँ पे आपने हर एक चीज, मैंने देखा कि मिक्सी का सामान, कभी तो कहीं पे टूटा हुआ माइक का ये पोर्शन, जी, तो आपने कुछ फेंका नहीं है। जी, फेंकते कुछ भी नहीं, सारी चीजें हमारे लिए ट्रेजर है। वाओ। तो और आगे अगर हम बात करें 3D प्रिंटिंग की, अभी हम एक चीज आपको बताना रह गया था, जैसे ये ड्रोन है, तो अभी जैसे हमने आपसे बात किया था प्लास्टिक प्रोपेलर कार्बन फाइबर, ये प्लास्टिक ड्रोन था, था इसलिए बोला है क्योंकि ये क्रैश कर गया था। अच्छा। एक अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान, तो इसमें लैंग्वेज लगती है, AI। तो इसके ये जो प्रॉप गार्ड्स होते हैं टूट गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी बुरी तरह टूट गए थे, एक लैंग्वेज फेलियर आ गया था, तो क्रैश कर गया था। सो हमने अपनी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ये नए डिजाइन करके, अच्छा, ये एब्सोल्युटली उसी तरीके से आपने बना दिए हैं, उसमें वाओ बेटर है, और ये इस तरह से हम माउंट कर जाएंगे। अरे वाह, यानी इसको आपने तुरंत इसको रिपेयरेबल कर दिया,
तो कोई भी चीज खराब नहीं होने वाली, अपने आप से आप इसको पार्ट्स भी तैयार कर ले रहे हैं। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ एक रडार जैसा कुछ लगा हुआ है। सभी ड्रोन्स में सर हम यूज करते हैं। आप जीपीएस एंटीना उसी में इनबिल्ट? जीपीएस को लेते हैं बिकॉज़ में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की रीडिंग लेनी होती है, सो दैट हम प्रिसीजन लोकेशन कहेंगे। जैसे अभी हमने ड्रोन डिलीवरी सुना होगा कि ड्रोन से डिलीवरी शुरू हुई है, जी 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 जी, सो हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से ही लोकेट करते हैं कि इस एरिया पे यहां पे चीज को प्रोडक्ट को लैंड करता है। ड्रोन डिलीवरी मतलब कहीं ना कहीं आप भविष्य में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब आगे स्विगी और जोमेटो ड्रोन से डिलीवरीज कराएंगे। जी, ना ही सिर्फ स्विगी जोमेटो सर, बल्कि अपना चिकित्सा का क्षेत्र कैसा है, मेडिकल डिलीवरी। हाँ, जो दवाइयाँ कहीं पहुँच नहीं पा रही, कहीं आप बहुत जगह पे आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ह्यूमन सपोर्ट नहीं, तो पहाड़ी जो रीजन होता है वहाँ पे दिक्कत आती है, कोई कैलामिटी आई तो सर ऊपर की दवाई पहुंचते बहुत समय लगता है, सर रोड टूट जाती है बरसातों में, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, दवाइयां नहीं जा पाती, तो सर एटलीस्ट हम लोग फर्स्ट एड तो पहुंचा सकते हैं। राइट। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव साइड पे और डेवलप करें तो हम लोग की लाइफ और ईजी हो जाएगी और हेल्दी हो जाएगी और क्षमताएं बढ़ेंगी। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण था, सही बात है, सही बात है, तो लिमिटेशंस कम हो जाती है। सही बात है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये कि एक बचपन में हम लोग चलाते थे, वो पुट 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 करके चलता था इसको, जब इसको पानी में छोड़ दिया जाता था, और इसमें जो है स्टीम इंजन का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इसमें बताने की कोशिश की गई थी, वो बचपन के याद के हिसाब से रखा है कि आप अब कुछ वाटर अंडर वाटर ड्रोन और ये बनाने जा रहे हैं? जी, एक्चुअली ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसको हम उदाहरण दिखाते हैं कि हम लोग इस एरा से आए थे। राइट, मॉडर्न है। सही बात है। येट वी आर कनेक्टेड विद आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर। वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सबसे पहला एक ड्रोन रहा होगा, वाटर ये अपने आप चलता था, इसके अंदर थोड़ी सी हीट जनरेट कर दी जाती थी और ड्यू टू दैट कन्वेक्शन जो था उसके थ्रू से पानी गर्म होकर निकलता था और उस तरीके से चलने का। एनीवेज, सो हाँ सर, आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी भी है, जैसे ड्रोन्स हो गए, सब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, यहाँ पे सर एक मॉडल आप नीचे देखते हैं, ये हम इसको उठा देते हैं सर, ये आपका टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन व्हीकल है। पेट्रोल इंजन? हाँ, ये सर टू स्ट्रोक पेट्रोल, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अरे बापरे, ये भारी, अरे बाबा। तो सर ये भी कंप्लीट आप ही क्या बना हुआ है? कंप्लीट सर। सो ये जो इंजन जो डेवलप करते हैं मिलिंद जी, एक बात की मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ कि आपके यहाँ हर एक चीज जिस तरीके से सजा हुआ है, आपने एक लैब को वाकई प्रोफेशनल लुक दे रखा है। दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी चीज है, अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रखना। एक अच्छा लैबोरेटरी वो हो सकता है जहाँ पे कि आपने सोचा और आपका जो एपरेटस है, आपका जो टूल है, वो आपके हाथों के पास मिल जाए। इसलिए इन्होंने हर एक चीज का नंबर दे रखा है, एक एरिया दे रखा है, और यहाँ स्ट्रेट अवे हम बता पा रहे हैं कि भाई कोई भी सामान किसी को चाहिए होता है, गॉगल से लेके, कैंची से लेके, स्क्रू ड्राइवर से लेके, प्लास तक उनके हाथ के पास है। ऑर्गेनाइज मूवमेंट बहुत अच्छी बात है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे ऐपरेटर्स और डिवाइसेस हैं जिसके बारे में सिर्फ आप ही बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे और भी कुछ लोग, यहाँ और भी कुछ यहाँ बैठते हैं, तो आपके साथ क्या पूरी टीम काम करती है? हमारे साथ एक पूरी टीम है। हमारे साथ दो तरह के लोग हैं, बल्कि यू कैन तीन तरह के लोग आते हैं। एक हो गए जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हो गए। बच्चे? जी। तो क्या क्लास भी चलाते हैं आप यहाँ? यहाँ पे एजुकेशन के लिए बच्चे भी आते हैं, और उन बच्चों ने तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं जो अभी बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आपको एक अनबिलीवेबल मॉडल्स दिखने वाले हैं कि ये कोई बच्चा क्रिएट कर सकता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से है और दुनिया का पहला, इवन जापान को भी हम पीछे कर देंगे। वाओ, बस कुछ ही समय में हम उस पर लॉन्च भी करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। जी, तो हम थोड़ा इसको और डिटेल में जाते हैं। हमारी बच्चों की टीम है जिन्होंने ऑटोनोमस मोबिलिटी में बहुत अच्छा वर्क किया है। ऑटोनोमस मोबिलिटी, जिन बच्चों ने वर्क किया है उनकी उम्र है 7 to 14। सेवन टू फोर्टीन? जी।
वाह बिल्कुल ही छोटे बच्चे, ये आपके टीम के हिस्सा हैं। और जो दूसरा मैं टीम का हिस्सा है वो बच्चे हैं जो हमारे स्लम एरिया में रहते हैं, जिनको हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत को डेवलप करने। लवली मेरे जी, अगर स्लम एरिया से भी बच्चों को लाके उनको हम शिक्षित कर पाते हैं, उनके अंदर वही कौतूहल वही जिज्ञासा, ये तो किसी में हो सकती है। इसके लिए किसी का अमीर या गरीब होने से कोई लेना देना नहीं होता। नॉलेज की जो रिस्पेक्ट होती है सर, वो पैसे से भी कहीं ज्यादा होती है। बहुत खूबसूरत। और मैंने जहाँ तक सुना है आपने शायद कई जगह के जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है, और हमने सर एक ड्रोन सार किया था। सार वो दिखाया जा रहा है, मैं चाहूंगा कैमरा को थोड़ा उधर पे लाया जाए और इसको थोड़ा सा दिखाएं कैमरे पे। जी, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें एक डॉग है जिसको हम रेस्क्यू करके लाए थे कोविड वेव 1 में, इनको मिला रोबोट से, उसको आपने रस दिया। उसको हमने रोबोट से खाना खिलाया था क्योंकि वो दृष्टिहीन था और अब तो उसकी आंख में एक विजन आ गई है और वो सुन नहीं पाता था। और यहां देखिए एक डॉग को आपने रेस्क्यू किया है। दुनिया का सबसे पॉपुलर ड्रोन सार है। सार मींस सर्च एंड रेस्क्यू। वाओ, ये इसमें एक सार ऐसे आ सर्च एंड रेस्क्यू। तो इसमें आप एक ड्रोन दे सकते हैं जो कि एक पिल्ले को बहुत गहरे नाले से खींच के बाहर ले आया, रोबोटिक आर्म के थ्रू उसने लिफ्ट किया था। इस जो एपिसोड है इसने लगभग 27 देशों की हेडलाइन बनाई थी। जापान ने इसके ऊपर एपिसोड बनाया था और इसने हर जगह भारत का नक्शा हर देश में दिखाया गया था। मिलिंद जी, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपने बच्चों को एक टीम बना के, उनको एक रिसोर्स बना के आपने ऑटोनोमस मोबिलिटी पे आपने काम कर लिया। आप कहीं ना कहीं कुछ शायद इलेक्ट्रिक कुछ आप बनाना चाह रहे हैं, उसको लेके कोई इलेक्ट्रिक कार वगैरह आप मुझे बता रहे थे। पूरी टीम से उसी को एंगेज कर चुकी है। बताइए, 7 साल से लेके 14 साल के बच्चे इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें पॉसिबल है और हम कहीं विदेश में नहीं है, हम लखनऊ में मिलिंद राज जी के साथ बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें लखनऊ में घटित हो रही है। सही, जो बच्चे है ये है जो 6 साल, जो 7 साल का है वो जय, जो 9 साल का है वो है विराज, फिर 11 साल का गर्वित और 13 साल या 14 साल का है श्रेयांश। 4 लोग सर नन्हे नन्हे हाथ हैं इनको, टिक आर्क सब तरह की वेल्डिंग्स आती हैं इनको, मेकाट्रॉनिक्स आ गई है। इन्होंने सर 4 साल लगाए कस के और सर इन्होंने कुछ, इनके एम ही यही है कि हमको बहुत एक अद्भुत काम करना है। इस क्लिपेज में ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रो साइज ड्रोन्स है। जैसे कि हमने बताया था 5 कैटेगरी होते हैं ड्रोन्स के, ये माइक्रो सेगमेंट के हैं। ये एक डिफाइंड फ्लाइट पैटर्न में परफॉर्मेंस कर रहे हैं फ्लाइट। सो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्वॉर्मिंग। जैसे स्वॉर्म ऑफ बीज, मक्खियों का एक झुंड होता है, इसको स्वॉर्म ऑफ बीज बोलते हैं। स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स जहाँ पे एक कंप्यूटर बहुत सारे n नंबर ऑफ ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने एक वेव पैटर्न डिफाइन किया है और कोई भी ड्रोन आपस में कोलाइड नहीं करेगा। अब हम पैटर्न चेंज करते हैं, हम इसको एक नया पैटर्न देंगे कोन का, जैसे एक आइसक्रीम का कोन होता है उस कोन के शेप को हमने इसमें फ्लाइट दिया है। ड्रोन स्वॉर्मिंग एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर हम रक्षा या अपने डिफेंस या बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें, तो हम एक ही बार में 1-1,000, 10-10,000 ड्रोन को बॉर्डर टेरिटरी मॉनिटरिंग में भी आराम से भेज सकते हैं। मतलब कि हमें सिर्फ एक कंप्यूटर पायलट चाहिए 100 ड्रोन्स को चलाने के लिए। सो ये है आपकी ड्रोन स्वॉर्मिंग की टेक्निक। ये माइक्रो में भी हो जाती है और ये बड़े ड्रोन में भी हो जाती है। अभी जो हमने आपसे बात किया था कि जिसमें माइक्रो साइज के ड्रोन होते थे स्वॉर्मिंग में, जो वीडियो में आप देखते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये साइज होता है माइक्रो का, बड़े साइज जो होते हैं फिर अगर हम इसे जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो फिर आपका ये साइज आता है विच इज स्मॉल अगेन, या मिनी कह सकते हैं, फिर स्मॉल थोड़े बड़े होते हैं एंड देन सो ऑन सो ऑन, फिर वो कॉम्पैक्ट ड्रोन्स पे चला जाता है।
पूछते थे कि करियर चॉइस में जिनको करियर ऑप्शन एज टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी में लेना है तो क्या कर सकते हैं, चलिए बताते हैं बिल मैच। जी हाँ दोस्तों, यही थी खूबसूरती तकनीकी दुनिया की। तो आज मिलिन जी के लैब में हम लोगों ने ऐसे न्यू इनोवेशंस बहुत सारे देखे। तो मिलिन जी प्लीज़ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे इस शो के करियर का शो के जो स्टूडेंट्स ऑडियंस हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि अगर वो उनको इंटरेस्ट है इस इनोवेटिव वर्ल्ड में तो ये क्या कर सकते हैं? जी मैम, अगर किसी भी बच्चे को, और बल्कि हम ये कहेंगे कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर कोई कॉलेज ग्रेड भी है, अगर वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है और वो अपनी लाइफ में साइंस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहता है, सो इस भारत का ये जो जिसको हम लोग सोने की चिड़िया बोलते हैं कि इसका एक सुनहरा एरा है, द गोल्डन एरा ऑफ दिस गोल्डन वर्ल्ड, कि आप इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में एंटर कर लीजिए। और कैसे करेंगे, आपको पहले चीज़ अपने माइंड पे ये चीज़ कॉन्सेप्ट्स थोड़े से आप क्लियर करेगा, क्या आपको किस सेक्टर में जाना है, सॉफ्ट स्किल्स में जाना है या आपको हार्डवेयर रोबोटिक्स या मेकाट्रॉनिक्स में जाना है। हमारे भारत में आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो AI, ML और इन सब जैसे पे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, और हम लोग एक इंटरनेशनल डोमिनेंस भी अच्छा दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन में भी। सो इंडिया इटसेल्फ आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप अब तो हम लोगों के जो नए बच्चे हैं इनको लिबरल एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कि आप अगर इससे पहले PCM था तो अब आप PCM के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री के साथ पॉल साइंस भी ले सकते हैं। सो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन कार्ड है। सो आप अपने इस इंटरेस्ट को और पॉलिश करिए और अच्छे से अपने ग्रोथ के लिए फोकस करिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको रोबोटिक्स या किसी चीज़ में जाना हो तो आपको अपने एक पूरे डे का टाइम मैनेजमेंट पर स्पेशल ध्यान देना होगा। बाकी आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी मुमकिन है, और ये आपका एक जैसे मैंने कहा था गोल्डन एरा है, तो एक समय रहते इस चीज़ पर शुरू कर दीजिए। तो हाउ अर्ली अ चाइल्ड शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर दिस, अगर उनको इंटरेस्ट है तो? मैम, नाउ वी सी दैट इवन अ चिल्ड्रन स्टडिंग इन सेकेंड और थर्ड ग्रेड आर वेरी लाइक यू नो कोरली इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी लाइक डेवलपिंग गेम्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गेम डेवलप करते हैं, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपके लैंग्वेजेस सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, हार्डवेयर स्किल्स सीखते हैं। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड कि मैम आप किसी पर्टिकुलर एज पर आइए, आप The early start is always the better start. So अगर आप 6th में 7th में हैं तो you should now start focusing. By the time you reach 10th, आप पूरी तरह से इस concept में अपने आप को clear कर लीजिएगा। कोई rocket science नहीं होती है, आप इसको बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, अगर आपको interest है तो मिलिन राज जी, the drone man is here to give all your solution. तो दोस्तों, नीचे जो हम लोगों ने अभी देखा, जो ड्रोन ने हमें जो स्वागत किया, उसी के साथ अब हम मिलिन जी के स्टूडियो में जो आए हैं, ये जो आप देख रहे हैं वो एक छोटा प्रोटोटाइप ड्रोन का ही बिगर वर्जन है, जो कि डिफेंस में, रक्षा में हमारे बहुत काम आता है। तो मिलिन जी प्लीज बताइए हमें इसके बारे में। जी मैम, अभी तो जो नीचे एक ड्रोन से जो वेलकम हुआ था, वो आपने एक स्मॉल स्केल साइज का ड्रोन देखा था, बट हमारे पास एक ऑपरेशनल डिवाइसेस भी होती हैं जो कि ये है। ये साक्षात वो मशीन है जो कि आपके रक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस और एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। जैसे कि आपने सर कवर अभी अनकवर किया था प्लेट को, अब इसके प्रोपेलर देखिए, इसके साइज़ कितने बड़े बड़े होते हैं। ये ऑपरेशन मशीन से ये कई कई किलो वजन उठा सकते हैं। ये फायर फाइटिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फायर बॉम्ब्स रखे हुए हैं नीचे। हाँ, मैं सोचा ये एक फायर बॉम्ब है, ये आपका आग बुझाने में होता है जी। तो ये मल्टीपर्पस रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशंस में एक काम होता है। ओह वाओ, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दिस मिलिन जी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग थे एक अद्भुत विज्ञान की दुनिया में। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि विज्ञान कितना विकसित हो चुका है, तो हमें सिर्फ जरूरत है एक सही सोच की और सही शिक्षा की, जिससे हम अपनी कोई भी सोच को पूरा कर सकते हैं। वो आज हम लोगों ने जाना मिलिन राज जी से। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे नए शिक्षा संवाद के साथ हम अगले एपिसोड में जरूर हाजिर होंगे। तब तक देखना ना भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर, एवरी संडे 9:00 ओनली ऑन प्राइम TV। टेक केयर, बाय बाय।